नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो कार में जो म्यूज़िक प्लेयर होता है उसमें बहुत सी बार ब्लूटूथ नहीं होता है। जो भी पुरानी कार्स है हमारे उसमें तो ब्लूटूथ होता ही नहीं, तो ब्लूटूथ के लिए हमें हमारे जो म्यूज़िक प्लेयर है पूरा बदलना पड़ता है। तो आप भी ब्लूटूथ के लिए म्यूज़िक प्लेयर बदलने की सोच रहे हो तो आपको वो म्यूज़िक प्लेयर बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक छोटा सा डिवाइस आता है कार ब्लूटूथ म्यूजिक रिसीवर, एक छोटा सा एडेप्टर आता है, उससे आप नॉन ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर को भी ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर में बदल सकते हो। तो ये डिवाइस है, ये कितना काम करता है, इसके साउंड क्लियरिटी कैसी रहती है, कनेक्ट कैसे होता है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये डिवाइस दिखने में बहुत छोटा है लेकिन मुझे तो बहुत कमाल का और बहुत अच्छा लगा। तो ये छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस है, बैटरी भी इसके अंदर है, एक छोटी सी बैटरी होती है, इसे आप चाहे तो चार्ज कर सकते हो, और एक बार चार्ज करोगे तो 5-6 घंटे ये आराम से चलता है। और आप चाहिए तो आपके सीडी प्लेयर में अगर और म्यूज़िक सिस्टम में अगर यूएसबी मतलब पेन ड्राइव लगाने की सुविधा है तो उसमें आप डायरेक्टली चार्जिंग कर सकते हो, ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। और इसके साथ एक ये कनेक्टर आता है आपके म्यूज़िक सिस्टम से कनेक्ट करने में, इधर चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट रहती है, इधर बटन रहता है, और इधर हमारा 3.5 mm ऑडियो जैक रहता है, और इधर माइक भी रहता है। तो इससे आप कॉलिंग भी कर सकते हो, जिसे आप हैंड फ्री कॉलिंग कहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं और इसका आवाज़ कैसा है, साउंड कैसे देता है ये। तो इसको मैं ये बटन से ऑन करता हूँ, जैसे ऑन करोगे तो ब्लू और रेड लाइट इसमें ब्लिंक होती दिखाई देगी, और ऑन करने के बाद इसे हम सीडी प्लेयर के ऑक्स में कनेक्ट कर देते हैं। और सोर्स में हमें ऑक्स सिलेक्ट करना है, ये देखो ऑक्स इनपुट, और हमें अब ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करना है। ये देखो ये BTR 302 ऐसा कुछ आ रहा है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखो ये कनेक्ट हो गया। अब हम कोई सॉन्ग्स लगा के देखते हैं कैसा बजता है। तो आपने सुनी लेके लिया, इसके जो साउंड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छे है, बास वगैरह भी अच्छा दे रहा है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और इस प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपये में मुझे ये लोकल मार्केट में मिल गया। आपको अगर ख़रीदना है तो लोकल मार्केट में ये मिल जाता है किसी भी कार एसेसरीज़ की दुकान में, या फिर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो ऑनलाइन कुछ 155 रुपीज़ इसके अमेज़न पे कीमत है। तो अमेज़न के लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।